फरीदाबाद में लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। सभी जिलों में तैनात कर्मचारियों को ट्रेनिंग के बाद मशीन मुहैया करवाई गई है। वहीं शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव करवाने के लिए जिला प्रशासन मुस्तैद है। इसी कड़ी में फरीदाबाद में लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर फरीदाबाद के जिला उपायुक्त कम जिला निर्वाचन अधिकारी विक्रम सिंह से बातचीत की गई, जिसमें उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन की तरफ से तैयारी पूरी कर ली गई है और इस बार मतदान बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से करवाया जाएगा। चलिए आपको सुनाते हैं और क्या कुछ बोले विक्रम सिंह। आज हम डिस्पैच कर रहे हैं अपनी टीम्स को, हमारी टीम्स पूरी हो गई हैं, साथ ही जो पोलिंग पार्टी है उनके साथ में पुलिसकर्मी भी साथ में अटैच होकर बसेस के थ्रू आज अभी पहुंचने लग रहे हैं अपने पोलिंग बूथ्स पे। तो जो ट्रेनिंग थी वो भी हमारी अच्छी तरीके से पूरी हो गई है। जो किसी के अगर लास्ट मिनट डाउट्स हैं वो हम क्लियर करवा के पोलिंग पार्टी को सारा सामान दे के डिस्पैच करवा रहे हैं। सर, आपकी बार वेबकास्टिंग का जो है पहली बार ऐसा हुआ है? नहीं, पहले भी होता रहा है, अब की बार 100% बूथों पे हमने वेबकास्टिंग करी है। तो 1572 हमारे बूथ हैं तो सभी पे हम वेबकास्टिंग करवा रहे हैं। तो उसकी मॉनिटरिंग कंसर्न्ड एआरओ के पास में, मेरे पास में और सीईओ सर के पास में भी रहेगी। तो अगर कोई भी गड़बड़ देखने को मिलती है तो हम यहीं से मॉनिटर करके कंसर्न्ड एआरओ को भी बता सकते हैं और पोलिंग पार्टी को या प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो उस कंसर्न्ड बूथ का है तो उस तक बात पहुँचा के उसको ठीक करवाएंगे। अगर कोई ज़्यादा दिक्कत है या कोई कोई गलत काम अगर वहाँ पे कर रहा है पोलिंग से रिलेटेड तो तभी की तभी उसको पकड़ के उसके खिलाफ कार्रवाई भी हम करेंगे। सर, बीच में व्यवस्था की बात करें, सर फोर लेन सुरक्षा व्यवस्था आप बता रहे हैं? सुरक्षा व्यवस्था भी हमारी पूरी है, जो हमारी पोलिंग स्टेशन से लेके हेडक्वार्टर तक, तो हमने करीब 4 लेवल में हमने वो रखी है। तो आशा हमारी ये है कि कल पूरा स्मूथ तरीके से हम पोलिंग प्रोसेस को करेंगे। सर, भीषण गर्मी का प्रकोप है उत्तर भारत के अंदर, उसको लेकर के किस तरीके की तैयारी है? तो गर्मी जैसे कि IMD की तरफ से हीट वेव की आशंका दे ही रखी है, तो उसके रिलेशन में हमने गर्मी से निपटने के लिए भी इंतजाम अपने पोलिंग बूथ पे करें। तो चाहे वो पानी की व्यवस्था हो, शेड की व्यवस्था हो, या बैठने की, या कूलर, या इसकी पंखे की व्यवस्था हो, तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे रहेंगी। तो मेरी अपील लोगों से आखिरी में यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में निकलें घरों से अपने और सुबह जल्दी जाके वोट करें। थैंक यू। विकलांगों के लिए तो हमने हर एक पोलिंग स्टेशन पे व्हील चेयर भी रखी है और उनके लिए प्रायोरिटी में उनकी वोटिंग भी हम करवाएंगे।